Assalamualaikum to all. I am Mahanoor Shakir and I am doing MSc in Health Physical Education and Sports Sciences from the University of Karachi. And I am the student of Youth Academy. Now, I will tell you about the animals need food. About the topic of animals need food, which is the first chapter of grade 3. It is the book of science. Now let me explain it. Okay, animals need food. Animals means janwar, need zarurat, food giza means khana. To janwaron ko khane ki zarurat hoti hai. Animals need food, janwaron ko खाने की ज़रूरत होती है. हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? जानवरों को खाने की ज़रूरत होती है. नाउ एनिमल्स आर लिविंग बींग. एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो जानवर हैं वो जानदार चीज़ें हैं, जानदार अशिया हैं, जानदार है, ठीक है. लाइक खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बड़े होते हैं. दे नीड फूड टू लिव. उनको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? फूड की. जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है. फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ये भी हम सब जानते हैं कि जो गिज़ा है वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए. गिज़ा जो है बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. हम जो है वो खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. ऑब्वियसली सी बात है कि हम सब कोई भी जानदार चीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जानवर, पौधे और इंसान खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता. वी ईट फूड वैन वी आर हंग्री. हम खाना खाते हैं जब हम भूखे होते हैं. एवरी लिविंग थिंग मस्ट हैव न्यूट्रिमेंट्स. हर लिविंग थिंग के अंदर, मतलब जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, तो मस्ट मीन्स होना चाहिए. न्यूट्रिमेंट्स गज़ा. न्यूट्रिमेंट्स लाइक इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक जैसे जो हेल्दी डाइट होती है, हेल्दी न्यूट्रिशन होते हैं, तो उन वर्ड से निकला है ये न्यूट्रिमेंट. ओके, विदाउट न्यूट्रिमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई. हमारे बॉडी में जितने भी ग्लूकोज हो गए या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, लाइक पोटेशियम हो गया, या जितने भी हमारे पास और जो दूसरी चीज़ें हो गई, हमारे ब्लड को जो है सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं. तो जितने भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. न्यूट्रिमेंट्स के बगैर पौधे और जानवर मर जाएंगे. जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन के बगैर जो है वो हम भी मर जाएंगे और पौधे भी मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो, ठीक है. साइंटिस्ट डिफाइन फूड एज अ, साइंटिस्ट जो है वो बताते हैं फूड एज अ सब्सटेंस. गिज़ा जो है वो ऐसी अशिया है विच गिव्स एनर्जी टू द लिविंग बॉडी. जो एक जानदार जब बॉडी को, जानदार जिस्म को जो है वो एनर्जी देती है फॉर वाइटल फंक्शन एंड हेल्प्स इन इट्स ग्रोथ. अब जाहिर सी बात है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम पैसिव रहेंगे. खाना खाने के लिए हमें बहुत सारा वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है. तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो खाना है वो एनर्जी के तौर पर यूज़ होता है जानदार के जिस्म में, पौधों हो या हम लोग हों, जानवर हो, इंसान हो या फिर जानवर हो, ठीक है. अब हम खाना क्यों खा रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरी है, एनर्जी हमें क्यों चाहिए दिन भर अपने सारे काम करने के लिए, वाइटल फंक्शन मतलब खाना पीना, सोना, पढ़ना, स्कूल आना जाना, ट्यूशन्स हो गए, घर के काम हो गए, तो ये सब हमारी ज़िंदगी के अहम फंक्शंस हैं. इनको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से, ठीक है. एंड हेल्प्स इन इट्स ग्रोथ. और हमारी ग्रोथ में भी, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमें बड़ा करने में भी यहाँ पर फूड का ही काम होता है. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट. जितने डिफरेंट, मुख्तलिफ मतलब अलग, एनिमल्स जानवर, अलग अलग जानवर अलग की अलग अलग खाने की आदत होती है. मतलब सब जानवर एक ही खाना नहीं खाते. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द लिविंग बींग्स इन द सेम वे एज फ्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द नॉन लिविंग मशीन्स. वो कहते हैं यहाँ पर कि गिज़ा जो है वो जानदार चीज़ों को इस तरह से जो है खाना, गिज़ा
फूड जो है इस तरह एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक नॉन लिविंग मशीन्स हो गई, मशीन तो जानदार नहीं होती ना, अब आप पेट्रोल ही देख लें, ठीक है, पेट्रोल से पेट्रोल लाइक फ्यूल हो गया ना, या कोई कार वगैरह हो गई या कुछ भी, तो जब तक हम फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। नॉन लिविंग मशीन मतलब जानदार चीज़ नहीं है, वो मशीन नहीं चलेगी। तो इसी तरह से जब हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं होगी, तो हम अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो खाना जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें एनर्जी के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिले, और हमें हमेशा हेल्दी डाइट यूज़ करनी चाहिए। गॉट इट। अब यहाँ पर फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट्स, जो मेंढक हैं वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, क्योंकि हर जानवर जो है वो अलग अलग, हमारा टॉपिक जो था वो एनिमल्स नीड फूड था, तो इसलिए हर जानवर जो है वो अलग अलग खाता है, अलग अलग उसकी गिज़ा है। मेंढक जो है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, देखें इस पिक्चर में मेंशन है। हॉर्स ईट ग्रास, जो घोड़े हैं वो घास खाते हैं। स्नैक्स जो है वो फ्रॉग को खाते हैं, ओके, ये स्नैक हो गया, ये फ्रॉग हो गया, मीन्स सांप मेंढक को खाते हैं। फिश ईट्स स्मॉल फिशेस, जो मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं। गॉट इट। नाउ अब हम इसे एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हंग्री। अब आप लोग बताएं कि आप क्या करेंगे जब आप हंग्री होंगे, तो लेट्स फाइंड द आंसर। ये रहा सबसे फर्स्ट आंसर क्या है, वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री, हम खाना खाएंगे जब हम भूखे होंगे, ओके, ये फर्स्ट आंसर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ एन एनिमल डज नॉट ईट फूड, अगर कोई खाना नहीं खाता जानदार चीज़ कोई भी तो क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट न्यूट्रिमेंट्स, मतलब अगर गिज़ा की जो है वो गिज़ाइत ही नहीं लेंगे, न्यूट्रिमेंट्स गिज़ाइत, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं ले रहे या दूसरी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीज़ें, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला फ्यूल ही नहीं ले रहे हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जो जानदार होंगे और जानदार चीज़ें होंगे, पौधे वगैरह होंगे, वो मर जाएंगे, ओके। दूसरे का आंसर ये आ गया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन इज़, कैन वी लिव विदाउट फूड, सो क्या हम खाने के बगैर रह सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं, नो वी, अब हम कैन जो है वो वी के बाद लगा देंगे, वी कैन नॉट, नो नहीं, वी हम कैन नॉट रह सकते, लीव ठीक है, नहीं रह सकते विदाउट फूड, खाने के बगैर नहीं रह सकते। व्हाट शुड एवरी लिविंग बींग हैव, हर जानदार चीज़ के पास ज़रूरी क्या है, क्या होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, फोर्थ का सॉरी, एवरी लिविंग बींग मस्ट हैव न्यूट्रीमेंट्स, उनके पास न्यूट्रीमेंट्स मतलब एनर्जी ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि वो अपने डेली के फंक्शन ईजीली परफॉर्म कर सकें, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़, डिफाइन फूड, खाना क्या होता है, गिज़ा क्या होती है, ओके। सो फूड हमारे पास क्या है, फाइव का आंसर यहाँ से लगाएंगे, फूड एज ए सब्सटेंस, फूड एक ऐसी अशिया है जो विच गिव्स एनर्जी, देती है हमें एनर्जी टू लिविंग बॉडी, किसी भी जानदार जिस्म को, फॉर वाइटल फंक्शन, इनके रोज़ के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंड हेल्प्स इन ग्रोथ, और ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। तो हमारे पास फाइव क्वेश्चन आ गए, ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, एनिमल्स आर लिविंग बींग्स, ओके, एनिमल्स क्या हैं हमारे पास, जानदार चीज़ें हैं, ओके, लिविंग जानदार है बींग्स। फूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब गिज़ा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, फूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पर से। उसके बाद है विदाउट डैश प्लांट्स एनिमल्स डाई, किसके बगैर जानवर और पौधे मर जाएंगे, न्यूट्रिमेंट्स, अभी हमने पढ़ा था, तो ये आ गया न्यूट्रिमेंट्स, ओके। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स इन, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि फूड्स जो है हमें गिव्स अस एनर्जी, एनर्जी देता है, और किस में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में, ओके। सॉरी यहाँ पर एक ब्लैंक मुझसे मिस हो गई, वी ईट फूड व्हेन वी आर, हम खाना खाते हैं जब हम हंग्री होते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके। नाउ एक्टिविटी है, आप अब आपको ये एक्टिविटी खुद करनी है कि आप लिस्ट बनाएं, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल विच यू नो, ऐसे जानवरों की लिस्ट बनाएं कि आप जानते हैं उनके बारे में कि वो क्या खाते हैं। देखें अब जो कैट्स हो गई, हम जानते हैं कि कैट्स ईट
स्मॉल फिशेस फिशेस खाती हैं और मीट भी पीती हैं ना, बट अभी यहाँ पे खाने की बात हो रही है। अब डॉग का आ गया अगर, तो डॉग्स ईट मीट, गोश्त खाते हैं। ओके, काओ हो गया हमारे पास, तो काउस ईट काउस भी हमारे पास ग्रास टाइप हर्ब्स झाड़ियाँ वगैरह खा रही होती हैं, ग्रास खा रही होती हैं। ओके ठीक है, इसी तरह लिजर्ड्स जो हो गई हमारे पास, लिजर्ड्स छुपकलियाँ हैं, वो क्या खाती हैं, ईट हाउस फ्लाइज मक्खियाँ खा जाती हैं। इस तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब आप लोग कुछ सोचें और इसको रीराइट करें। ओके, आई होप आप लोग को चैप्टर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।